डाइट में एक तो चार पॉइंट्स हिंट दूंगा आप लोगों को फॉर द ऑडियंस, ये है कि एक तो कोशिश करें मीठा अपनी लाइफ से निकालें, ठीक है। ठीक है, विराट कोहली एग्जांपल लेता हूँ उस बच्चे का, उसने 10 साल मीठा खाना छोड़ दिया हुआ। हम बात करते हैं मोटापा, आपने कहा कि शुरू हो जाता है बहुत यंग एज के अंदर, तो यंग एज में क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, डाइट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है और फिजिकल एक्टिविटी अर्ली ऑन बच्चों में इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनको गेम से निकाल के या इंडोर जो एक्टिविटीज़ हैं PS4 से थोड़ा सा हटा के तो उन्हें लेके जाया जाए ग्राउंड्स की तरफ। तो उससे ये होता है कि कोरोनरी आर्टरी में भी इवन जो है चिकनाई की लेवल बहुत कम हो गई है। लेकिन ग्राउंड्स जब रहे नहीं ना, आहिस्ता 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 ग्राउंड्स तो खत्म कर दिए हमने, ग्राउंड्स खाली हो गए हैं साहिर, अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड्स हैं अभी भी। हम जहाँ रहते हैं जिस लोकेलिटी में पार्क्स बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, बड़े अच्छे ग्राउंड्स बने हुए हैं, लेकिन खाली होते हैं जब भी जाओ वॉक करने एक्सरसाइज करने, नोबडी इज़ देयर, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। जी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा डाइट, तो क्या डाइट होनी चाहिए? हमारे यहाँ तो डाइट का मतलब ये है कि आप या तो भूखा रह लें या फिर किसी क्रैश डाइट पे चले जाएं, और अगर क्रैश डाइट पे चले जाएंगे तो फिर आपका वेट अचानक से बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, स्किन सैग कर जाती है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो बताइए क्या डाइट क्या करनी चाहिए? अच्छा, एक तो जिस तरह इन्होंने बात की कि बहुत अर्ली एज में आपकी बेस रखी जाती है कि आपका BMI कैसा होगा, तो इतना वेट ना करें कि आपका वेट इतना बढ़ जाए कि फिर आपको क्रैश करने की ख्वाहिश हो रही हो, क्योंकि आप इसकी प्रिवेंशन पे फोकस करें। हम ये करते हैं कि हम ना ओवरवेट को बहुत लाइटली ले लेते हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि मेन मसला ये है कि ये अंडर ट्रीटेड है, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं हैं, वो कहते हैं ठीक है वेट, या उनको आप बताएं भी तो वो आगे से इस तरह कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर, हम खाना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक तो वो डाइट से डरे हुए हैं कि बहुत क्रैश और बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट करनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा इसका हल ये है कि प्रिवेंशन पे फोकस करें, पहले से ही अपनी डाइट में एक बैलेंस लेके आएँ, बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, फिजिकल एक्टिविटी को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लें। ओके, डेली 15 से 20 मिनट मिनिमम आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कर लें। तो जब आप प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे तो फिर आपको कोई ऐसी हार्ड किस्म की डाइट नहीं करनी पड़ेगी। तो आप कहते हैं एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बनाएं, चहलकदमी कर लें या वॉक कर लें, कोई गेम कर लें, कोई भी ऐसी चीज कर लें। ठीक है, अच्छा कौन से प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं आपको कम करने के? क्या इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, बगैर इन्वेसिव के, मतलब बगैर कुछ अंदर डाले भी क्या कुछ बेहतर हो सकता है? क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होता है कि हमारे ये अब्डोमिनल का जो एरिया है यहाँ बड़ी मतलब ब्लोटिंग आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या ये ज़्यादा ओवरवेट होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए मेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्लासिफाई करता हूँ सारे पेशेंट को 3 हिस्सों के अंदर, ठीक है। एक वो बच्चे जो 10 साल से लेके 16-17 तक आ जाते हैं, एक बच्चा जो 20+ लेके 30 में क्रॉस कर, और एक 30+ के लोग। ओके ओके, इन तीनों की लाइफस्टाइल डिफरेंट है, और आजकल के ज़माने के अंदर वेयर किड्स आर मोस्टली इनटू द मोबाइल और सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ों में है, तो वो उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो थोड़ी सी हिंडर्ड है। इसमें पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल, हिंडर्ड है या लिमिटेड खुद हो गई है? यस, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को हर उस एक्टिविटी में खुद इन्वॉल्व होंगे, तो उनके अंदर वो सेंस ऑफ कैपेबिलिटी आ जाएगी यार मैंने एक्सरसाइज भी टैन भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी एग्जाम्पल देता हूँ, इफ़ दे वॉन्ट टू प्ले अ क्रिकेट और यू वॉन्ट टू गो फॉर समथिंग, आप वो कहते हैं बाबा आप मेरे साथ खेलें, तो वाई नॉट यू गो, उसको जाएं। अल्टीमेटली क्या होगा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, फिर वो हट जाएगा, फिर वो नहीं कहेगा, क्योंकि यार मेरा बाप तुमसे खेलता नहीं तो मैं किस तरह खेलूं। ट्रू, तो दिस इज द साइकोलॉजी इन द चिल्ड्रन। तो बच्चों के अंदर आप अपनी उनकी डाइट हेल्दी रखें और उनको थोड़ा सा अपना प्लान अपने साथ इन्वॉल्व करें। अब आ जाए 10-20, इसमें तो कोई सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है बच्चों के अंदर, ठीक है, ना हम कोई इसमें इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं, इसमें हम बच्चों की साइकोलॉजी को डील करें और साथ हम अपने पेरेंट्स की जो उनकी साइकोलॉजी को डील करें, ठीक है। नाउ कम्स अबव 10-16+20-30 के आसपास, इस रेंज के अंदर जैसे अभी आपने दिखाया अभी वीडियो भी कि वी डो फॉर द एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के साथ आपकी डाइट प्लान बड़ा जरूरी है। डाइट में एक तो चार पॉइंट्स हिंट दूंगा आप लोगों को फॉर द ऑडियंस, ये है कि एक तो कोशिश करें मीठा अपनी लाइफ से निकालें, ठीक है। ठीक है, विराट कोहली एग्जाम्पल लेता हूँ उस बच्चे का, उसने 10 साल मीठा खाना छोड़ दिया हुआ है, ही इज़ नॉट टेकिंग शुगर्स, इज अ फिटेस्ट पर्सन। तो पॉइंट ये है कि अगर एक बंदा आपको एग्जाम्पल दे रहा है तो वाई नॉट गो फॉर अ सिंपल थिंग। तो यही इसी एज के अंदर आपको आई थिंक ये चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, मीठा छोड़ दें, दूसरा कोशिश करें कि अपनी डाइट सारा कुछ खाएं लेकिन थोड़ा खाएं पोर्शन कंट्रोल, एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा खाएं। आपको ये नहीं कहता यार ये चीज़ मैं डाइट बहुत या टेस्ट पार्ट खत्म हो रहे हैं कैसे मैनेज करेंगे, तो थोड़ा खाएं,
थर्ड चीज सुबह नाश्ता। अच्छा होता क्या है कि अगर उसके बाद कथकलामी माफ, लेकिन होता क्या है कि अगर आप इतना ज्यादा डाइट करेंगे ना तो वाकई फिर आप वो कर नहीं सकते बहुत दिन तक, बहुत दिन तक नहीं कर सकते, आपको वापस जाना होता अपने उस पे ना, वो हो जाता जी। ऐड करना चाहूंगी कि नेवर गो इनटू स्टार्वेशन। जैसे ही आप बॉडी को स्टार्वेशन में लेके जाते हैं तो आप देखें कहतसाली में क्या होता है, यू गोना स्टोर द थिंग्स, तो जो भी आप खाएंगे इट्स गोना स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, वो फैट्स बनना शुरू हो जाएंगी। आपने कभी भी क्रैश डाइट नहीं करनी। इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो अभी आया है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी अपना रात का खाना अर्ली ऑन ले लें 6 से 7 o'clock, और उसके बाद सुबह जाके 8 बजे या 10 बजे नाश्ता करें। उससे क्या होगा कि 12 से 16 घंटे तक आपका पेट खाली रहेगा। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं उससे आप फास्टिंग होनी चाहिए। और मैं समझ नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोपहर का खाना मिस कर दें, नाश्ते में क्या इंपॉर्टेंट है ये बताएं। नाश्ते में मैं समझता हूँ जी आपको ऑर्गेनिक फूड्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड्स, उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, इसकी तरफ जाएं। और ये जो सालन बने हुए हैं लोग मुख्तलिफ एरियाज़ में, आप रिमोट एरियाज़ में चले जाएं, दे यूज़ टू हैव लंच इन द ब्रेकफास्ट, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, गैस्ट्राइटिस के एलिमेंट बढ़ जाते हैं। जब आपका मैदा खराब होगा ना आपका हाजमा खराब होगा, जब हाजमा होगा ना एक बात बताइए, सारा कुछ बॉडी में पहले भी दौर होता था जब लोग पराठे भी खाते थे, अब भी खाते हैं, लेकिन वो ओबीस नहीं थे, वो काम भी करते थे, वो एक्सरसाइज भी, क्या वो कंज्यूम कर लेते थे? कंज्यूम करते थे सर, लेबर देखिए आप, देखिए वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी। अब इस एज के अंदर अब ये मैंने पैरामीटर्स बताए हैं 20-30 साल, इसमें हमारे पास हम लाइपोसक्शन की ऑप्शन भी देते हैं पेशेंट को, ठीक है, अगर वो वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहा और BMI उसका राइज है, ठीक है, और BMI निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो लाइपोसक्शन क्या सेफ है? इट्स सेफ। और उसमें होता क्या है? इफ इट इज डन इन सेफ हैंड्स इट इज सेफ, बिकॉज आपको प्रिकॉशंस लेनी है उसके साथ, वो सारा आप फैट यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके दो तरह तरीके से किया जाता है, एक हम पेशेंट को बेहोश करके भी कर सकते हैं और विदाउट बेहोशी भी की जा सकती है। तो जो लोग कंफर्ट जोन में आते हैं कि नहीं मुझे पेन का एलिमेंट नहीं चाहिए, तो वी गो फॉर जनरल एनेस्थीसिया, लेकिन किसी का थ्रेशोल्ड अच्छा होता है, वी जस्ट अगर हमने कोई स्पॉट साइज या कोई छोटा पार्ट करना है तो हम लोकल में भी उसकी लाइपो कर सकते हैं, और लोकल में हो जाता है वो? हो जाता है जी। ओके, और अब आ जाए 30+ जिसमें एरियाज है, उसमें दो तरह के पेशेंट्स आ जाते हैं, एक वो जो अपनी डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, एक वो लोग है जो बहुत ज़्यादा वेट है और वो क्या करते हैं, उनको 150 किलोज 200 किलोज, उसके लिए फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स है जिसमें बैरियाट्रिक सर्जरी भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो भी यूज़ किया जाता है। लेकिन बैरियाट्रिक सर्जरी का एक थोड़ा सा पॉइंट है कि उससे वेट तो खत्म हो जाता है, चर्बी पिघल जाती है, लेकिन स्किन ढल जाती है। स्किन ढल जाती है, जब स्किन ढलती है देन वी कम इन एज अ प्लास्टिक सर्जन, हम उसकी अच्छी बॉडी की ट्रिमिंग करके उसको प्रॉपर शेप में ले आते हैं। तो ये मैंने आपको जो प्लान दिया जी, इस प्लान से सारा आई थिंक मेरी कैटेगराइजेशन इन चीज़ों में आती है। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, इफ़ आई गो फॉर अ प्रोसीजर तो मैं आई वुड डेफिनेटली आस्क कि आपका लास्ट महीने का या 2 महीने का क्या पैटर्न रहा है। अगर मैं उसको ऑपरेट भी कर देता हूँ तो मुझे क्या पता वो 1.5 महीने 2 महीने में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके वो चीज़ें यूज़ कर रहा है या खा पी रहा है या एक्सरसाइज नहीं करता और सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो उसको पहले गाइड किया जाता है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करें।